उच्च शिक्षा विभाग और मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा विधित संदर्भ विषय को केंद्र में रखते हुए 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। शासकीय सरोजनी नायडू कन्या कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, ज्ञान को किसी सीमा में बांधा नहीं जा सकता। ऋग्वेद में कहा गया है कि जहां से भी ज्ञान मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। समान रूप से वो विश्वविद्यालय में भी दिया जाएगा, कोई अंतर नहीं किया जाएगा। विश्वविद्यालय के लिए सभी प्रकार के हित लाभ उसी प्रकार से देखे जाएंगे, लेकिन इस पवित्रता का भी ध्यान रखा जाएगा कि विश्वविद्यालय की गरिमा बनी रहे। विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग की तरह एकदम इसकी सीमा खोल करके नहीं खड़ा करेंगे, लेकिन उसके अंदर की जो जो चीजें हैं वो पूरी तौर पे दी जाएगी। और इसके अलावा भी विश्वविद्यालय के अलावा भी उच्च शिक्षा विभाग अभी जो आने वाले समय में जो जो तय करेगा वो सब कुछ करने के लिए आपके साथ रहेंगे, लेकिन कई भविष्य की चुनौतियों के लिए भी आप और हम आगे बढ़े और मध्य प्रदेश के अंदर भी जो जो चीजें अभी गर्भ में हैं उनको सामने लाने के लिए भी पर्याप्त रूप से हम रिसर्च को भी प्रोत्साहन दें, हमारे शिक्षा के उस पुराने इतिहास को पुनः जीवंत करने के लिए। जैसे आपने आंकड़ा बताया है तो विदेश के लोग भी हमारे प्रदेश में आके पढ़े, इसके लिए जो जो करना है विभाग वो सब भी करे, सरकार आपके साथ रहेगी निश्चित रूप से। और कोई एक विश्वविद्यालय नहीं, मैं तो इस मामले में ये परस्पर एक स्वस्थ कंपटीशन होना चाहिए, हर विश्वविद्यालय अपने आप में तैयारी करे, सभी विश्वविद्यालय हमारे क्या निजी और क्या सरकारी, लेकिन सरकारी को जो कठिनाई आती है सरकार उस मामले में भी पूरी मदद करेगी निश्चित रूप से, लेकिन वो सारी चीजें जिनके माध्यम से हम भविष्य के आधार पर अपने आप को तैयार कर लें ये बहुत आवश्यक भी है। और नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में चूंकि माना यह गया कि नई शिक्षा नीति में जो विद्यार्थी आएंगे उनकी संख्या थोड़ी सीमित होगी, लेकिन सीमित विद्यार्थी आकर भी असीमित अपनी शिक्षा अध्ययन में वो अपना योगदान दे और विभाग उनके पूरी मदद करे, इस नाते से हम अपने आप को तैयार करें। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।